हेलो फ्रेंड्स, तो ये है जेड डायनेस्टी का थर्ड पार्ट। इसके पहले पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि शाओ फैन और लिन को किंग यून सेक्ट में लाया गया है और वहाँ वो अलग अलग मास्टर्स के अंडर ट्रेनिंग लेने लगते हैं। शाओ फैन भी अब बड़ा हो चुका है और बुई की बेटी लिन जर उसकी अच्छी दोस्त बन गई है। यहाँ हम डाजू क्लैन के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिनमें शाओ फैन भी शामिल है, और वो लोग उसे उकसाकर उसकी पावर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं। वो सब उस पर अलग अलग अटैक करते हैं और डेरेन भी कुछ बैम्बूस उसकी ओर उछालता है, लेकिन शाओ फैन आसानी से उनसे बच निकलता है। तब वो अपने अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हैं और मिलकर एक साथ शाओ फैन पर अटैक करने आते हैं। और जैसा कि उन्होंने सोचा था, शाओ फैन इस बार अपनी की एनर्जी एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कंप्लीट कर पाए, वो अचानक से बंद हो जाती है और सारे स्टूडेंट आपस में टकराकर नीचे गिर पड़ते हैं। शाओ फैन अपनी नाकामी से उदास हो जाता है और उधर वो स्टूडेंट्स डेरेन से कहते हैं कि हमारा शाओ फैन को प्रोवोक करने का प्लान काम नहीं कर रहा है और अब हम इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते। वो डेरेन से कोई दूसरा तरीका सोचने को कहते हैं और डेरेन शाओ फैन को समझाता है कि उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता तो कोशिश करने वालों को ही मिलती है। शाओ फैन को लगता है कि उसने उन लोगों को फिर से डिसअपॉइंट कर दिया है, लेकिन डेरेन उसे फिलहाल वापस चलने को कहता है। एक स्टूडेंट डेरेन से कहता है कि पिछले कुछ टाइम से शाओ फैन बहुत स्लो हो गया है और मुझे लगता है कि शायद उसका ट्रेनिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं है, जबकि अब तक तो उसे एक बैम्बू की तरह हार्ड हो जाना चाहिए था। शाओ फैन भी वो बैम्बू वाली बात सुन लेता है और सोचता है कि मुझे भी अपने माइंड को बैम्बू की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। वो एक बार फिर अपना ध्यान लगाता है और स्टूडेंट्स देखते हैं कि अचानक वहाँ एक अजीब सा ओरा फैल गया है। तभी उनकी नज़र शाओ फैन पर जाती है, जिसने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर लिया है और इससे आसपास की एनर्जी निकल कर उसके अंदर समा रही है। मास्टर बुई भी उसकी स्किल से बहुत हैरान होता है और देखता है कि शाओ फैन ने उसमें महारत हासिल कर ली है। डेरेन कहता है कि ये तो की एनर्जी की मेरिडियन टेक्निक है, जिसे मास्टर करना बहुत मुश्किल है। वो सब शाओ फैन को कॉन्ग्रेचुलेट करने जाते हैं और कहते हैं कि आज तो तुमने गजब ही कर दिया और हमें तुम पर बहुत प्राउड है। शाओ फैन को खुद भी अपनी स्किल्स पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और तभी वो लोग मास्टर बुई को आते हुए देखते हैं। बुई शाओ फैन से कहता है कि तुम्हें मैंने खाना बनाने की जिम्मेदारी दी थी, तो यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सुनकर वो सब वापस जाने लगते हैं। अगले दिन हम शाओ फैन को अकेले प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और तभी कोई पीछे से उस पर कुछ फेंक कर मारता है। शाओ फैन को पहले तो वहाँ कोई नजर नहीं आता, लेकिन फिर वो देखता है कि ये तो एक छोटा सा मंकी है जो बिना वजह उसे तंग कर रहा है, और इससे पहले कि वो उसे सबक सिखा पाए, मंकी वहाँ से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ हम ड्रैगन क्लैन को देखते हैं, जहाँ लिन एक ही वार से एक चट्टान के दो टुकड़े कर देता है। वो भी अब पहले से बड़ा और ताकतवर हो चुका है और बाकी मेंबर्स इस बात से हैरान होते हैं कि इतने कम टाइम में इसने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। तब एक स्टूडेंट बताता है कि इसे मास्टर कैंग सोंग ने खुद ट्रेन किया है और कहा जाता है कि पूरे क्लैन में इसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। तभी वहाँ फैंग नाम का एक दूसरा फाइटर आता है, जो लिन की पॉपुलैरिटी से जलने लगा था, और कहता है कि लिन ने अभी तक अपने लेवल के किसी फाइटर से मुकाबला नहीं किया और मैं यहाँ उसे चैलेंज करने आया हूँ। लिन भी ग्रेसफुली उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। एक स्टूडेंट बताता है कि फैंग को भी मास्टर कैंग सोंग ने ही ट्रेन किया था, लेकिन जब से लिन क्लैन में आया, मास्टर ने फैंग पर ध्यान देना बंद कर दिया और इसी वजह से वो लिन से बहुत चिढ़ता है। फैंग भी गुस्से में लिन पर अंधाधुंध अटैक करता है, लेकिन उनसे बचते हुए लिन की तलवार फैंग की गर्दन तक पहुंच जाती है। तभी एक आवाज कहती है कि तुम्हें इतना घमंडी नहीं होना चाहिए, और लिन की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। पता चलता है कि ये एक सीनियर स्टूडेंट की हाव है और वो लिन से कहता है कि तुम्हें अपनी ताकत को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिर वो फैंग के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जल्दबाजी करने से मना किया था और तुम मेरे नाम पर धब्बा लगा रहे हो। की हाओ लिन से माफी मांगता है कि फैंग को तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें भी इस मामले को यहीं खत्म करना होगा। और यहीं हम देखते हैं कि मास्टर कैंग सोंग भी ये सब देख रहा था। आगे का सीन डाजू क्लैन का है, जहाँ शाओ फैन और लिंजर उस जंगल में आए हैं और लिंजर कहती है कि हमें उस मंकी को सबक सिखाना ही होगा, वरना वो तुम्हें इसी तरह तंग करता रहेगा। तभी उसकी नज़र शाओ फैन के बनाए कबाब्स पर जाती है और वो कहती है कि इनकी खुशबू तो लाजवाब है, और बेशक तुम हमारे क्लैन के सबसे अच्छे कुक हो,
इस पर शाओफेन कहता है कि तुम्हारे डैड को तो मेरी कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन लिंजर उसे डैड को इग्नोर करने को कहती है और बताती है कि ये तो उनकी हमेशा की आदत है और वो हर नए स्टूडेंट को इसी तरह ट्रीट करते हैं। आके शाओफेन उसे कबाब खाने को देता है, लेकिन वो मंकी बीच में आकर उन्हें छीन लेता है और एक ही झटके में सारे कबाब खा जाता है। लिंजर को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि मेरे कबाब चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो अपने स्कार्फ से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मंकी तो जैसे प्लान बनाकर आया था और वो शाओफेन पर कूदकर उसके बाकी कबाब भी चुरा लेता है। लिंजर कहती है कि अब तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा, और ये कहकर वो उसके पीछे भागने लगती है। शाओफेन उसे समझाता है कि आगे का रास्ता खतरनाक हो सकता है, लेकिन लिंजर उसे इग्नोर करके हवा में उड़ने लगती है और अपनी पावर से मंकी पर अटैक करती है। वो शाओफेन को भी अपने साथ बुला लेती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से वो दोनों क्रैश हो जाते हैं। मंकी उनका खूब मजाक उड़ाता है और लिंजर को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और वो शाओफेन को लेकर एक बार फिर उसका पीछा करने लगती है। तभी वो मंकी अचानक से नीचे एक घाटी में जा गिरता है और लिंजर शाओफेन से कहती है कि तुम्हें थोड़ी देर यहीं वेट करना होगा, और ये कहकर वो अकेले ही आगे चली जाती है। शाओफेन देखता है कि नीचे तो बहुत ही गहरी घाटी है, और तभी उसे लिंजर के चिल्लाने की आवाज आती है। वो एक बेल पकड़कर नीचे की ओर उतरता है, जिससे उसके हाथ घायल हो जाते हैं, और तभी वो नोटिस करता है कि और में कुछ हलचल हो रही है। फिर जैसे तैसे करके वो नीचे उतरता है और देखता है कि ये जगह तो बहुत ही क्रीपी है, जहाँ वो पहले कभी नहीं आया। तभी एक तालाब के पास उसे लिंजर नजर आती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी ओर आगे बढ़ता है, उसके शरीर में अचानक से कमजोरी आने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हिम्मत करके किसी तरह वो लिंजर के पास आता है और देखता है कि वो तो बेहोश पड़ी हुई है। वो उसे एक पेड़ के पास लाकर जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी ओर में फिर से हलचल शुरू हो जाती है। फिर वो उस मंकी की ओर देखता है, जो खुद भी तालाब के पास बुरी हालत में है, और वो वहाँ उसकी मदद करने जाता है। तभी उसका ऑर्ब निकलकर तालाब के अंदर जाने लगता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर वो मंकी को उछालकर दूर फेंक देता है और खुद उस ऑर्ब के साथ उस तालाब में चला जाता है। पानी में शाओफेन का दम घुटने लगता है और इससे बचने के लिए वो अपने एक स्पेल का यूज करता है। तभी उसकी नजर नीचे की ओर जाती है, जहाँ स्टोन से बनी एक छड़ी चमक रही है, और वो वहाँ से निकलकर शाओफेन के करीब आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये छड़ी ये ऑर्ब को अपनी ओर खींच रही थी, और इससे पहले कि शाओफेन को समझ पाए, वो छड़ी और ऑर्ब आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे वहाँ एक तेज एनर्जी निकलती है। शाओफेन को कुछ समझ नहीं आता और क्यूरियस होकर वो उस छड़ी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ता है, उससे निकली पावर शाओफेन के अंदर जाने लगती है और वो देखता है कि छड़ी के परते खुलने लगी हैं। तभी वहाँ एक तेज एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे शाओफेन अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।